हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लाइफ विद वर्षा। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि आपका फाउंडेशन जो है वो केकी क्यों हो जाता है। आपका फाउंडेशन जब आप मेकअप करते हो तो वो फैला फैला सा, पैची पैची सा लगता है, या फिर ऐसा लगता है आधा निकल गया है आधा बचा हुआ है, या दूर से पता चलता है कि अभी आपने बहुत सारा मेकअप भर भर के अपने मुँह पर थोपा हुआ है। तो वीडियो शुरू करूँ उससे पहले एक बार फिर से बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी टिप्स शेयर करूँगी, क्योंकि स्टेप्स तो फिर मुझे करके बताने पड़ेंगे, वो मैं करने वाली नहीं हूँ। मैं आराम से आज बताने वाली हूँ, तो आप आराम से बैठ के सुनिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहला चीज़ जो है, जब भी आप मेकअप करते हो, जब भी आप फाउंडेशन यूज़ करते हो, तो आप सबसे पहले क्या यूज़ करते हो, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जब भी मेकअप कर रहे हो तो पहले आपको बेस बहुत अच्छा सा बनाना है। आपके चेहरे का बेस जो है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। जैसे कि आपको सीरम ज़रूर अप्लाई करना है, फेस वॉश कर लिया, फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया, उसके बाद आपको सीरम अप्लाई करना है। अगर आप सीरम नहीं अप्लाई करते हो तो आप रोज़ वाटर अप्लाई कर सकते हो, अपने फेस पे रोज़ वाटर लगा लीजिए, उसके बाद ही कोई और चीज़ यूज़ कीजिए, लेकिन ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद सेकेंड चीज़ क्या आती है, स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चेहरे को मॉइस्चराइज करना। अगर आपने मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ किया है तो भी फाउंडेशन केकी हो जाएगा फाउंडेशन, क्योंकि स्किन आपकी ड्राई हो जाएगी और ड्राइनेस की वजह से हो सकता है कि फाउंडेशन केकी हो जाए। तो आपको स्किन को भी मॉइस्चराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड टिप्स जो आती है वो ये कि प्राइमर बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके मेकअप के बेस के लिए। प्राइमर क्यों? प्राइमर पहली चीज़ तो आपके मेकअप को जो है वो बिल्कुल स्मूथ बनाता है, फ्लॉलेस बनाता है, केकी नहीं होने देता, पैची नहीं होने देता, साथ ही साथ आपके स्किन पे जो पोर्स हैं जो उनको मिनिमाइज करता है, जिससे आपका मेकअप फैला फैला सा नहीं लगता, केकी नहीं लगता। तो आपके अगर पोर्स मिनिमाइज होंगे, स्किन का बेस जो है अच्छे तरीके से हुआ रहेगा, तो आपका मेकअप जो है वो फ्लॉलेस दिखेगा, पैची नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा, लंबे समय तक चलेगा। ठीक है, टिप्स नंबर थ्री, तो अगर आप फाउंडेशन यूज़ करते हो, फाउंडेशन को बहुत ज़्यादा ऐसा ड्रैग करके यूज़ करते हो, बहुत ज़्यादा ऐसा खींचना नहीं है, कभी भी फाउंडेशन जब भी आप यूज़ करो उसे बहुत ज़्यादा खींचिए नहीं, ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से या फिर आप अपनी उंगलियों की हेल्प से भी डैब डैब करके ही उसको अपने फेस पे अब्सॉर्ब करना है, ना कि ऐसे ऐसे घसना, उसको खींचना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब आप खींचते हैं ना तो वो लुक नहीं आता है, वो बेस उसका नहीं बनता है, वो उसमें स्मूथनेस नहीं आती, फ्लॉलेस बिल्कुल नहीं दिखेगा, खींचा खींचा सा दिखेगा, पैची पैची सा। तो टिप नंबर फोर, अगर आप मेकअप कर रहे हो तो आपको कुछ चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है, जैसे कि आपकी आईब्रोज बनी हुई होनी चाहिए, अगर आप अपर लिप्स बनाते हैं तो अच्छी बात है, नोज़ पे या आपके चिन एरिया पे ब्लैकहेड्स व्हाइटहेड्स नहीं होने चाहिए। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप कभी भी ध्यान दीजिए, अगर आपके नोज़ एरिया पे ब्लैकहेड्स हैं, व्हाइटहेड्स हैं, तो आपको लगता है कि वो छुप गए, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे उन्हीं जगहों पे, जहाँ पे ये पोर्स की प्रॉब्लम होती है उन्हीं जगहों पे मेकअप सबसे ज़्यादा केकी होता है, फाउंडेशन सबसे ज़्यादा पैची होता है। तो आपको अपने फेस की क्लीनिंग पहले अच्छे से कर लेना है, अगर आप किसी शादी पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं तो फेस अच्छे से क्लीन होगा तभी आपका मेकअप टिकेगा। अगर आप ऐसे ही फेस पे मेकअप, भले आपके फेस पे पिंपल हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप हटा सकते हो, वो आप छुपा सकते हो, लेकिन जो इस तरीके की जो स्किन की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपके अपर लिप्स हैं तो मेकअप के बाद वो भी छुप तो जाते हैं, पर वो मेकअप वहाँ का मेकअप है ना, वो आपकी स्किन से थोड़ा सा अलग लगेगा, आप चेक करके देख लीजिएगा। अगर मेरी बात आपको नहीं समझ आए तो आप खुद चेक कर लीजिएगा कि अगर अपर लिप्स पे आपके हेयर्स हैं तो वो अलग अलग दिखेंगे, उतना फ्लॉलेस मेकअप आपके फेस पे नहीं होगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो और सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने फाउंडेशन कौन सा यूज़ किया है, मतलब
जो भी फाउंडेशन आप यूज कर रहे हो वो आपके स्किन के लिए सुटेबल है कि नहीं, स्किन को आपके सूट करता है कि नहीं, साथ ही साथ आपके स्किन टोन से मैच करता है कि नहीं। कभी भी आप फाउंडेशन खरीदें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि फाउंडेशन आपका आपके स्किन टोन से मैच होना चाहिए। इनफैक्ट मैं कहूंगी कि फाउंडेशन जो होता है, जो आपका स्किन टोन होता है उससे एक शेड नीचे ही लेना चाहिए। उससे क्या होता है, वो आपके फेस को बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा सा बेस दे देता है, बहुत अच्छे से, मतलब उसकी जो पिगमेंटेशन, या मैं क्या बोलूँ कि जो मतलब बेस होता है, बहुत अच्छे से रेडी हो जाता है आपका चेहरा, बिल्कुल मतलब अलग अलग नहीं लगता। ऐसा नहीं लगता कि आपने कुछ फेस पे लगाया है, बिल्कुल आपका जो नेचुरल फेस होता है वो दिखता है और बिल्कुल क्लीन और फ्लॉलेस दिखता है। तो ये थे मेरे स्टेप्स, हो बार बार स्टेप्स स्टेप्स आ रहे हैं, ये थे मेरे टिप्स। तो अगर आप इस तरीके से फाउंडेशन यूज करेंगे, और आजकल तो एक वायरल हो रहा है वीडियो बहुत ज़्यादा कि आप अगर बेस अच्छा बनाना चाहते हैं तो कुछ लोगों को मैंने देखा है चम्मच में उसको थोड़ा सा लाइटर जला के गर्म कर लेते हैं फिर उससे बेस, अभी तक मैंने ये किया नहीं है पर मुझे लगता है कि यस, क्योंकि उनके वीडियोस देख के ऐसा लगता है कि यस बेस अच्छे से रेडी होता है, तैयार होता है। तो आप अपने चेहरे को अच्छे से पहले क्लीन करेंगे, क्लीन अप अच्छे से करेंगे, घर में कर सकते हैं, उसके बाद जिन चीज़ों को मैंने बताया वो आप अपने फेस पे अप्लाई करेंगे, उसके बाद ही फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। तो आपका फाउंडेशन कभी भी केकी नहीं होगा, कभी भी पैची नहीं होगा, अलग अलग नहीं दिखेगा, बहुत ही अच्छा दिखेगा बेस और बहुत ही अच्छा लगेगा फाउंडेशन। तो उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।